या फिर जो जुलाई में जब बरसात शुरू होती है जो जल्द हम करते आ रहे हैं, तो एक मैंने कोई 200-250 पेड़ का एक यूनिट इनको दिया था, उसमें 3 साल के पेड़ थे, नई प्लांटेशन थी, तो इसमें रूट गार्ड और इन्होंने इसका भी ट्रायल दिया और प्लांट गार्ड का भी ट्रायल दिया था। और इसमें सबसे बढ़िया बात ये रही, इनके जो मिक्सचर इनका बनता है वो गोडर बेसन ऐसे भी जब ये इनके जो ये रूट गार्ड और प्लांट गार्ड का जो है अगर इसमें मिक्स करते हैं तो वैसे भी उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। 2-3 घंटे के लिए उसको आप मिलाते रहो, जब भी आप ये चीज़ डाले हैं तो उसको मिलाते रहो। मैंने भी थोड़ा ऐसा किया कि मुझे जो ट्रायल के लिए दिए गए थे, अगर मैंने कहीं जो 4 लीटर डाला तो मैंने 2-2 लीटर डाला था। मैंने सोचा चलो अभी ट्रायल के लिए है कि एरिया से रहो ना, मैं लालची थोड़ा सा, मैंने वो ज़्यादा ही बढ़ाया किया और करने की कोशिश की। तो मैंने 200 पेड़ में जो इनका एक यूनिट, ये पूरा खेत जो है, एक मेरी 3 साल पहले न्यू प्लांटेशन हुई थी उसमें कुल्लू के फैदर प्लांट थे, क्योंकि कुल्लू से जितने फैदर प्लांट आ रहे उसमें रूट की डिजीज लगभग आ रही है। जैसे कि न्यू प्लांटेशन के लिए अब ये रूट स्टॉक का तो मैंने तो छोड़ ही दिया है, क्योंकि सबसे पहले मैंने शुरू किया था, सारे बाग वालों ने मेरे से सीखा और बड़ा मतलब एक्सपेंशन भी बहुत हुई। तो क्योंकि हमारी जो सॉइल है ना शेलो रूट पर एक्सेप्ट नहीं करती, मतलब थोड़ी हार्ड सॉइल है, तो इसमें इतनी बड़ी कामयाबी पूरे प्रदेश में लेना, क्योंकि पिछले टाइम है आपके पास सुनने का ना, हमारी प्रोडक्शन जो है 1% इतनी बड़ी। कोट खाई हमारा बहुत बड़ा एरिया है, मेरे ख्याल हिमाचल में अगर सेब का नाम कोट खाई का नाम ले तो मुझे लगता है कई बात ही स्पेशल वाइज जो है एरिया हमारे पास कम है, प्रोडक्टिविटी जो है कोट खाई की हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अगर मैं ये बोलूँ आपको कि रूट स्टॉक पे अगर 20 साल से कोट खाई में काम हो रहा था, या मैं 10,000 पेटी कम पैदा नहीं कर पा रहा, 10,000 बॉक्सेस, 20 लाख पेड़ जो है वो पूरे प्रदेश में, अगर कोट खाई में 10,000 पेटी नहीं लगी, जब साइंटिफिकली लोग खर्चा भी करते हैं, नॉलेज काफ़ी रखते हैं, तो मुझे लगता है ये चीज़ है। तो मतलब फिर क्या यार, मैंने शिफ्ट किस लिए किया है, जो आजकल जो कुल्लू के जो प्लांट आ रहे हैं इसमें लगभग रूट डिजीज आ रही है, जड़ का जो प्रॉब्लम है ये लगभग आ रही है, क्योंकि मोटा 3 साल का फैदर प्लांट है। तो जब तक आप रूट की ट्रीटमेंट ठीक नहीं करेंगे जब आप प्लांटेशन करते हैं, तो एक मतलब टाइम वेस्ट या पैसा आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि जमीन तो वही है, पहले तो हमने इसमें बहुत सारी चीजें पैदा की, आलू भी निकाले, दूसरे धान, मक्की, ये तो हमारे बुजुर्गों से चलता आ रहा था, जमीन की सॉइल की ट्रीटमेंट तो हो नहीं पाई। सॉइल ट्रीटमेंट के लिए जो है जब तो पहले पौधे लगे मॉइस्चर ठीक रहता था, नमी थी, बर्फ गिरती थी, अब तो बिल्कुल मतलब हमारी जमीन जो स्ट्रेस में आ गई है। तो इसके लिए जब भी आप नई प्लांटेशन करते हैं या कुल्लू का पेड़ ही लगाते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सॉइल ट्रीटमेंट नहीं होती, सॉइल ट्रीटमेंट की अभी अभी वही है, जल सड़न बॉम कैसे होते हैं, अगर पौधा लगाए तो जड़ सड़न बॉम कैसे होते हैं। तो पिछले साल जब इनका ये रूट गार्ड का ट्रायल लगा था 200 पेड़ में, वो मेरे प्लांट थोड़े स्ट्रेस में आ गए थे। मैंने एक वीडियो भी दी थी प्रकाश जी शायद छोटी सी छोटी सी वीडियो थी, तो उसमें क्योंकि मैंने बड़ा क्लियर बोला था कि मैं आपको ये तो नहीं बोल सकता कि मुझे रिजल्ट क्या है, क्योंकि जब इन्होंने रिकॉर्डिंग की थी तो 2 महीने की बात थी, इन्होंने 2 महीने बाद उसकी रिकॉर्डिंग कर दी, मगर उसमें जो नई ग्रोथ और पत्तों की जो डेवलपमेंट हुई थी तो ऐसा लगा कि प्लांट जो स्ट्रेस में था उसमें कुछ ना कुछ मतलब उसकी और बड़ी है। अगर मैं आज भी यहाँ बोलूँ कि उन्होंने मुझे ट्रायल में ऊपर की चीजें दी वो उसको बहुत बढ़िया बोलूँ, तो 2 महीने के रिजल्ट में उस चीज को नहीं बोलता। अगर आज की स्थिति में उसको देखूँ, क्योंकि अब बोरर का तो इमीडिएटली नहीं, बोरर तो आपको तभी पता लगेगा जो प्लांट गार्ड है इनका, ये तो बोरर के लिए कि भाई वो प्लांट में हमने नीचे तो खोला नहीं किया है। हाँ, अगर जो रूट जो उसकी जो एक ग्रोथ थी प्लांट की, इस बार वो मेरे को ज्यादा बेटर दिखी कुछ इसमें जो, तो इसे रूट इनका जो रूट गार्ड और प्लांट गार्ड का जो लास्ट ईयर का ट्रायल था, अगर आज की स्थिति में मैं देखूँ उसमें थोड़े थोड़े दाने भी लग गए हैं, रूट डेवलपमेंट बहुत बढ़िया, पत्ता बहुत बड़ा हो गया है, और मैंने संग्रम और ये वैम भी डाला था। अभी मैं भाई साहब से बात कर रहा था, अगर ये संग्रम और ये वैम इसको भी आप डालें, आपने ये गुड़ और वो भी डाल दिया, बेसन भी डाल दिया, रूट गार्ड और ये दोनों डाल दिए है, तो मेरे ख्याल से ये बड़ी इफेक्टिव है। क्योंकि मेरे साथ जो 3 पोर्शन में बगीचा लगा था 500 पेड़ थे, तो अगर 2 पोर्शन की ग्रोथ में अभी भी देखूँ आप लाइव देख सकते हैं, तो इस लेवल की नहीं है जिस लेवल जो इनका टाइम लगा था। तो मेरे ख्याल से जो 2-3 चीज़ें ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ बहुत सारी चीज़ें ला चुकी है, रूट गार्ड, प्लांट गार्ड, इसमें ये इनके पास वैम है और सन डोम, इन चीज़ों पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। बहुत सारे वाइस लोग आए हैं, अगर 50-40 पेड़ का भी ट्रायल देखें
तो आपको बिल्कुल कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मेरे बगीचे में ट्रायल जो है वायर बड़ी बड़ी, क्योंकि टाटा रैलीज के भी लग गए, वायर के भी लग गए, बहुत सारे प्रोडक्ट है, मतलब रूट रॉट की समस्या, क्योंकि ये जो खासकर रूट स्टॉक का जो ये सिस्टम है, इस खासकर 106 तो कोई जाए, अगर कोई भाई साहब इसमें काम कर रहे हैं, 9 वेरी इफेक्टेड, 11 में भी वो बॉल्स तो बनते ही बनते हैं, मतलब जो 111 है उसमें बोलते हैं ग्रोथ भी ठीक है, मगर उसमें भी थोड़ी गांठें मोटे उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो 9 जो है ज्यादा इफेक्टिव है, अगर 9 पर 9 में ग्रोथ की प्रॉब्लम है, गाला को छोड़ के ये ड्राई किया, बाकी इसमें टाइम वेस्ट कर आप समय खराब हो जाएगा, अगर आप डिलीशियस ग्रोथ इसमें जाएंगे टाइम के बाद जो ये स्टंट हो जाता है, ग्रोथ जो इसकी रुक जाती है, और अल्टीमेटली मेरा जो एक ढांगी वाला इवेंट है, मेरे ख्याल से इसमें मेरे पास शायद 2000 पेड़ लगे होंगे, मैंने जो उसको गाला में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, 3500 पेड़ मेरे पास होना चाहिए, जो मेरा इधर वाला यूनिट है साथ में कोटे वाला, वहाँ तो मैंने 100% जो है मैं गाला में चला गया हूँ, 106 तो मैंने 500 पेड़ लगाए थे, मेरे ख्याल से 106 के 100 पेड़ भी मेरे पास नहीं बचे, रूट रॉट की सबसे बड़ी समस्या 106 में, अगर इसकी ग्रोथ देखे, इस जो बाहर का फैलाव है, फ्रूट की डेवलपमेंट है, तो इससे 106 जैसा रूट स्टॉक भी कोई नहीं है, हमारी कंडीशन कोई बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती, तो मतलब ये है कि अब जो जिस स्पीड से ये हमारी गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान दे रही है, पैसा दे रही है, तो पैसा तो दे रही है मगर मनी वेस्ट है, अभी भी मैं एक CIA की मीटिंग में गया था, सेक्टर हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर वहाँ थे, तो मैंने शलो रूट्स की जो टेक्नोलॉजी, इनको भी ये कहा कि आप इसको बंद करो, इसमें जो ये पैसा हमारे लिए है, ऐसी स्कीम बनाओ कि जो हमारा ये पार्टी वाला जो स्टॉक है इसको इस ढंग से लगाओ कि इसको हम मतलब साइंटिस्ट के ऊपर ऐसा काम करें कि इसमें शलो रूट जो है पार्टी में कैसे निकाले जा सके, ये मैक्सिमम रूट्स जो है हम जो इसमें निकालें जो पार्टी वाला धंधा हमारा, क्योंकि इसका ये नीचे चलते भी हैं और ताकत भी बड़ी अच्छी खासी है, और स्पर स्पर टाइप की वरायटी लगाओ जहाँ जहाँ पॉसिबल है, बड़ा पेड़ आइडेंसिटी में जाओ, फिर 30 पेड़ वाली टेक्नोलॉजी चलेगी, 30 पेड़ 100 पेड़ लगाओ, घने घने लगाओ, मेरे गांव में तो मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी की प्लांटेशन जब मैंने शुरू की थी, मेरे बड़े भाई साहब बहुत सारे बैठे यहाँ पर, तो शायद वो तो अभी इसका ये क्रिटिसिज्म होता था, बहुत सारे लोग आए, आज जो है मेरे से भी ज्यादा लोग जो है, अगर मैंने 4 फुट में पेड़ लगाया था, लोग ने 2 फुट में पेड़ लगाया, हाँ जी हाँ जी, और मेरा गाँव हिमाचल प्रदेश में पहला होगा जहाँ 70% इरीगेशन होता है, और मेरे ख्याल से 1 बीघे में मैं मोटा मोटा अगर आइडिया बताऊँ तो लगभग 200 पेड़ नाशपाती और सेब के एवरेज होंगे, हमारे पास ऐसे भी किसान है जिन्होंने 25-25 हज़ार पेड़ जो लगा दिया है, 20-20 हज़ार पेड़ वाले भी किसान हैं, मेरे ख्याल 1,000-1,500 वाले तो मैक्सिमम होंगे, तो हाई डेंसिटी के लिए आप ऐसा जरूरी नहीं है कि हाई डेंसिटी आप जो स्टॉक भी कर सकते हैं, आप इसमें करो, बस इसमें एक ही ध्यान रखो जो आप पेड़ लगा रहे हैं ये ध्यान रखना कि या तो नई मिट्टी लाओ, सॉइल का ट्रीटमेंट का खासकर ध्यान रखो, और बढ़िया गोबर लाओ, और खासकर ये जो अपना फीडबैक आपको दिया है 1 साल का, अगले साल और बेहतर होगा, आपने थोड़ा सा इसको बता दो, ये जो प्लांट गार्ड है मरा नहीं मरा, मैंने रूट्स उसके नहीं खोले हैं, मगर उसके जो प्लांट के जो ग्रोथ का जो वो है वो वेजिटेटिव कि शायद वो कहीं ना कहीं किसी कंडीशन पे वो मतलब बैठा हुआ है या सुस्त है या मर चुका है, ये कुछ मैंने अपने बगीचे में देखी है, मतलब ये तो ग्रांटेड है सर, ये 3-4 चीज़ है, इस पर आप जाओ इस पर काम करो, थोड़ा 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 सा बाद में करो, एक एक बोतल भी लेकर शुरू किए थोड़ी बहुत ज़्यादा होनी है, फिर ऑर्गेनिक प्लेस पर आए तो ऑर्गेनिक का ही जमाना है, तो धीरे धीरे ट्राई करो, बहुत धन्यवाद आपने हमें टाइम दिया और इतनी दूर से आउट हो गए और आपने सोचा मेरे साथ, थैंक यू वेरी मच।